तो अब शाम हो गई है और हमारा डेली रूटीन गपशप का, तो मेरे साथ कोच सर है निशांत सर। निशांत सर अपनी टीम के बारे में बताइए। सर हमारी टीम फर्स्ट बार आई है गेम्स के अंदर, फिर भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया हमारे बच्चों ने। इतनी उम्मीद नहीं थी, फिर भी उस हमें उम्मीद से ज्यादा इन्होंने अच्छा बेस्ट किया। अब नेक्स्ट ईयर के लिए अभी से तैयार करेंगे इन्हें और गोल्ड के लिए। हाँ बिल्कुल सर। किस किस में पार्टिसिपेट किया आप अपने, वन बाय वन बताइए। लॉन्ग जंप एंड शॉर्ट पुट। लॉन्ग जंप एंड शॉर्ट पुट के लिए आपने बेटा? मैं कल है। कल है आपका 200 मीटर। 200 मीटर के लिए उसके लॉन्ग वेरी बेस्ट आपको मेरा रिले। रिले कल होगा? हो गया आज। आज हो गया। ओके कांग्रेचुलेशन, आपने पार्टिसिपेट किया उसके लिए। खुद नेशनल प्लेयर हूँ 2011 में खो खो में और वॉलीबॉल में भी नेशनल स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से दोनों बार गोल्ड मेडल है। उसके बाद मैंने बीपीएड की, उससे पहले बीपीएड की और फर्स्ट जॉब है मेरी है मैम पीटीआई की। तो कैसा रहा आपका पहला क्लस्टर का एक्सपीरियंस? क्लस्टर में मैंने इतना नहीं सोचा था कि इतनी फैसिलिटी मिलेगी। हम भी गेम्स में जाते तो हमें इतनी फैसिलिटी नहीं मिलती थी स्कूल में, इतनी खाने की व्यवस्था नहीं होती थी, ना वॉशरूम की नहीं थी, किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं होती थी। फर्स्ट बार मैंने इतनी फैसिलिटी देखी स्कूल में, अच्छा लगा मुझे मैम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर कि आप आए और आपके आने वाले इन बच्चों के आने वाले मैचेस के लिए आप नेशनल खेले, इंटरनेशनल खेले, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और आज के लिए कांग्रेचुलेशन, आपने पार्टिसिपेट किया। जीतना हारने लगा रहता है, लर्न करते हैं हम हर एक एक्सपीरियंस से। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फर्दर मैचेस। थैंक यू सर। थैंक यू।